देश को सोलर पावर सिस्टम से चलने वाली पहली ट्रेन मिल गई है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने सोलर पावर सिस्टम से लेस DIMU मतलब डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट ट्रेन को दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सोलर पावर सिस्टम से लैस इस ट्रेन में कुल 10 कोच हैं। इस ट्रेन के 8 कोच की छत पर 16 सोलर पैनल लगे होंगे। ये 16 सोलर पैनल सूरज की रोशनी से 300 वॉट बिजली बनाएंगे, जिससे ट्रेन में लगी बैटरी चार्ज होगी। इन बैटरियों से ट्रेन की सभी लाइट, पंखे और इंफॉर्मेशन सिस्टम भी चलेगा। आपको बता दें कि इस ट्रेन से साल भर में 21,000 लीटर डीजल की बचत होगी। 6 महीने के भीतर रेलवे को ऐसे 24 कोच और मिलेंगे। रेल मंत्री सुरेश प्रभु की माने तो इंडियन रेलवे को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए ये एक बड़ा कदम साबित होगा। हम लोगों ने तय किया है कि हमारे रेल में पूरी मात्रा में हम लोग क्लीन फ्यूल की तरफ हमारी पूरी फ्यूल पॉलिसी, फ्यूल मिक्स को बदलाव देंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए आज सोलर फायर ट्रेन अभी यहाँ से डेमो ट्रेन चलेगी और उसका लाभ बड़ी मात्रा में रेल को भी होगा, समाज को भी होगा, देश को भी होगा। आपको बता दें कि DIMU ट्रेन मल्टीपल यूनिट ट्रेन होती है। इस ट्रेन को इंजन के जरिए बिजली मिलती है, लेकिन डीजल से चलाने के लिए इस ट्रेन में अलग से डीजल जनरेटर लगाना पड़ता है। सिस्टम के आने के बाद अब इसकी जरूरत नहीं होगी। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।